नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र शुक्ला और जीएस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर स्वागत है। हम लोगों ने टेट, सीटेट और सुपर टेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो अपना बैच प्रारंभ किया है, उसमें बाल मनोविज्ञान पाठ का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे अभिवृद्धि व विकास का। तो आइए देखते हैं कि क्या होती है अभिवृद्धि, क्या होता है विकास। अभिवृद्धि का तात्पर्य सामान्यतः वृद्धि से लिया जाता है, अभिवृद्धि या वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, बढ़ोतरी से। लेकिन वही विकास का जो मतलब होता है वो सिर्फ वृद्धि नहीं होता है, बल्कि क्षमताओं में वृद्धि। क्षमताओं में वृद्धि को हम विकास कहते हैं। ये जो अभिवृद्धि होती है, इसमें सामान्यतः कोशिकाओं में वृद्धि होती है, हमारी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, या कह सकते हैं कि बालक के कोशिकाओं में वृद्धि होती है। कोशिकाओं में वृद्धि से तात्पर्य है कि शारीरिक वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि कैसे वृद्धि? शारीरिक वृद्धि। कोशिकाओं में वृद्धि होती है जिसका अर्थ है शारीरिक वृद्धि होती है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होती है। बालक की लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि। लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है, अर्थात लंबाई या चौड़ाई या भार हम किसमें मापन कर सकते हैं, या संख्या में मापन कर सकते हैं, अर्थात यह संख्यात्मक होती है। वृद्धि जो होती है यह संख्यात्मक होती है। अब संख्यात्मक होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, तो शारीरिक वृद्धि तो सामान्यतः एक पक्ष ही होती है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति के कई सारे पक्ष होते हैं, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, भाषाई पक्ष, लेकिन यहाँ अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक वृद्धि होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है, लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि होती है, अर्थात यह एकांकी है, या कह सकते हैं एक पक्षी है। अब हम ये भी जानते हैं कि शारीरिक वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित सीमा तक होती है, तो इसलिए यह निश्चित होती है। इसका समय भी एक निश्चित होता है, इसलिए यह निश्चित समय में होती है। इसमें होती है, इसका समय भी निश्चित होता है। अब हम देखते हैं कि अभिवृद्धि जो होती है वो कोशिकाओं में वृद्धि को कहा जाता है, अर्थात शारीरिक वृद्धि को कहा जाता है। कोशिकाओं में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि मतलब लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि। लंबाई, चौड़ाई और भार सामान्यतः क्या होते हैं? संख्यात्मक होते हैं, अर्थात अभिवृद्धि जो होती है उसका मापन हम संख्या में कर सकते हैं। यह एक पक्षी वृद्धि है या एकांकी वृद्धि है। अभिवृद्धि निश्चित होती है, इसका समय भी निश्चित होता है। दूसरी तरफ अगर हम विकास को देखें तो यह सामान्यतः सिर्फ बढ़ोतरी या वृद्धि से नहीं होते हैं, बल्कि क्षमताओं में वृद्धि से लगाते हैं विकास का अर्थ, अर्थात कोशिकाओं में वृद्धि नहीं, कोशिकाओं की क्षमताओं में वृद्धि। किसमें? कोशिकाओं की क्षमता में वृद्धि। कोशिका की क्षमता में वृद्धि,
इसका मतलब ये हुआ कि यह शारीरिक वृद्धि सिर्फ नहीं है बल्कि शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और सिर्फ भार में वृद्धि नहीं है बल्कि हमारी लंबाई चौड़ाई और भार से हम किस क्षमता का विकास कर सकते हैं उसका अर्थ होता है विकास। यह सिर्फ संख्यात्मक नहीं होता है, संख्यात्मक से मेरा मतलब कि सिर्फ लंबाई मेरी है 3 फीट, कल हो जाएगी 3 साल बाद 4 साल बाद किसी बच्चे की लंबाई हो गई 5 फीट, ऐसा नहीं है, बल्कि उस लंबाई के बढ़ने से या उसकी क्षमता के बढ़ने से क्या कर लिया वो, उसमें वृद्धि, अर्थात यह संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है, इसमें गुण भी पाया जाता है। यह एकांकी नहीं होती है बल्कि यह बहुपक्षी होती है, अर्थात शारीरिक भी होती है, मानसिक होती है, संवेगात्मक होता है, भाषात्मक होता है। ठीक है, यह बहुपक्षी है, बहुपक्षी है। ये किसी निश्चित अंक या निश्चित संख्या में हम इसका मापन नहीं कर सकते हैं बल्कि इसका अर्जन किया जाता है, अर्थात यह अनिश्चित होती है, हम इसका अर्जन कर सकते हैं, यह अनिश्चित होती है और इसका समय भी निश्चित नहीं होता है। कई बार क्षमताएं होती है कि जैसे एक लंबाई होता है, सामान्यतः माना जाता है कि 18 साल 20 साल 25 साल तक ही बढ़ेगी, लेकिन हम अपनी क्षमताओं की वृद्धि या शारीरिक क्षमता ही जिम में जाके दौड़ के या किसी अन्य क्रिया द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, विकास का कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो क्या हुआ अगर मैं हम लोग देखें अभिवृद्धि व विकास में अंतर क्या है, तो अभिवृद्धि जो होती है वो कोशिकाओं में वृद्धि से माना जाता है जबकि विकास कोशिका की क्षमता में वृद्धि से नापा जाता है। यह शारीरिक वृद्धि होती है जबकि यह शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि को हम विकास कहते हैं। अभिवृद्धि में लंबाई चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है या संख्यात्मक होती है, लेकिन विकास जो होता है वह संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है कोई बच्चा है 3 साल में उसकी लंबाई इतनी थी, वो 6 साल का होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन साथ साथ उसकी कोशिकाओं की क्षमताओं में भी वृद्धि हो जाता है। मान लीजिए वो 3 साल का था तो अपने हाथ से 1 किलो का पैकेट या 1 केजी का वजन उठा सकता था, लेकिन अब वो 6 साल का हो गया है तो वो 4 केजी का भी वजन उठा सकता है आसानी से। इसका तात्पर्य यह होगा कि इसकी क्षमता में भी वृद्धि हुई। ठीक है, अब यह एकांकी नहीं होती है बल्कि बहुपक्षी होती है। शारीरिक वृद्धि जो होती है वह बहुपक्षी होती है। बहुपक्षी से मेरा मतलब है कि अब जो बच्चा है जो 3 साल का था वह सिर्फ शारीरिक वृद्धि करता था, हमें कैसे समायोजन करना चाहिए समाज में, क्या बोलना है, क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है, इसका भी ज्ञान होता है। ठीक है, अर्थात विकास हम उसे कहेंगे जो बहुपक्षी होता है। सामान्यतः शारीरिक वृद्धि एक निश्चित सीमा तक या निश्चित समय तक ही होती है जबकि विकास हमें विकास का कोई निश्चित समय या निश्चित सीमा नहीं होती है। यह अर्जन कर लिया जाता है, इसका किसी भी उम्र में किसी भी समय में इसका अर्जन हम कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम कि एक मैप के द्वारा एक प्रकार से क्या होता है अभिवृद्धि व क्या होती है विकास। अगर हम देखें मान लीजिए ये जीवन का प्रारंभिक समय हो, जीवन के प्रारंभिक समय में बताइए क्या ज्यादा तेज होगी, अभिवृद्धि होगी या विकास होगा। तो जीवन के प्रारंभिक समय में ये होगी अभिवृद्धि, ज्यादा तेज क्या होगा अभिवृद्धि, क्योंकि लड़का 3 साल का है पता चल रहा है 1 फीट 2 फीट का है, आप उसे 7 साल के बाद देखेंगे वो हो जाएगा 4 फीट का, तो अभिवृद्धि ज्यादा तेज होगी विकास कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जीवन के प्रारंभिक समय में
अभिवृद्धि ज्यादा होती है, जबकि विकास सामान्यतः कम तेजी से होता है। अब अगर हम देखें जीवन का अंतिम समय, प्रारंभिक समय की अपेक्षाकृत अंतिम समय अगर हम देखें तो ये हो गया आपका विकास और ये हो गई अभिवृद्धि, अर्थात जीवन के अंतिम समय में विकास ज्यादा होगा, अभिवृद्धि कम होगी। अब ये लड़का जो जीवन के अपने उत्तरार्ध में है या अंतिम समय में अपेक्षा की प्रारंभिक समय के, तो इसका विकास ज्यादा तेजी से होगा। ये किसी भी चीज को ज्यादा जल्दी सीख सकता है, किसी भी क्षमता का बहुत तेजी से विकास कर सकता है, लेकिन इसकी शारीरिक वृद्धि में कोई बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जीवन के प्रारंभिक समय में अभिवृद्धि ज्यादा तेज होती है, विकास अपेक्षाकृत कम रहता है। जीवन के अंतिम समय में विकास ज्यादा तेजी से होता है, अभिवृद्धि अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तो ये होगा अभिवृद्धि और विकास। इसका मतलब ये नहीं है कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के विपरीत है, बल्कि यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक है। बिना अभिवृद्धि के विकास भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी की शारीरिक क्षमता तभी बढ़ेगी जब उसकी कोशिकाएं सभी समान रूप से सुचारू रूप से काम करेंगी। इसलिए अभिवृद्धि जरूरी है विकास के लिए, और विकास जरूरी है अभिवृद्धि के लिए, क्योंकि विकास अगर आपको आता है तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आपके नॉलेज से आपको पता चलेगा कि आप शारीरिक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिम में जाके बढ़ा सकते हैं, दौड़ के बढ़ा सकते हैं। इसलिए विकास और अभिवृद्धि एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो आज हम लोगों ने समझा कि क्या होती है अभिवृद्धि और क्या होता है विकास। ठीक है, आप हम लोगों के साथ बने रहिए। इसी प्रकार हम इस बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अन्य पाठों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।